जुन प्रकारले भूमिचौरबन्दा क्षेत्रको एक नम्बर वार्डका तकहरूले खतालाई खुसी जाहेर गरिराखेको यो दृश्य देखाइरहेको छौँ हामीले। पहाड़ में एक दो महीना के पार्टी ने बोर्ड फॉर्म किया है, इसमें आपको क्या कहना है, किस तरह से देखिए? सबसे पहले तो मैं उसका जो अभी नया पार्टी है जो उसका पार्टी को मैं एक बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी पहाड़ का जितना भी लोकल पीपल ने और यंग जनरेशन संसद में उसको सपोर्ट किया है, तो जनता का हित आकांक्षा के लिए उसने जो काम करने के लिए सुरेश दिया था विश्वास आस्था लेकर ही वो जनता ने भी उसको वोट दिया है, ठीक है, उसको बधाई देना चाहता हूँ पार्टी का तरफ से। और आने वाला दिन में दार्जिलिंग का म्यूनसिपलिटी अच्छा हो, अच्छा बनाए, अच्छा डेवलपमेंट हो, उन्नति हो, इसके इसके लिए मैं उसको आने वाला दिन के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। 22 में आप लोग का सिर्फ 4 सीट मिला है, इस क्या वजह से ऐसा है? तभी हमने मेहनत तो किया था वार्ड में, लेकिन वो मेहनत परिश्रम आदमी ने उतना नज़दीक से नहीं देखा, ठीक है, तो हार जीत तो होती रहेगा, और मैं कर्मे के लिए तो आगे जाकर काम करूँगा ही, जैसा भी हो आगे जाके जितना भी संघर्ष में है उस संघर्ष में तो किसी का तो हार होता है, किसी का जीत होता है, पार्टी का जो जीत हो गया उसको बताइए। और GNLF और BJP एक भी सीट नहीं आया पहाड़ में, इसमें आपको क्या कहना है? जो अब तो वो लोग का काम करने का तरीका और जो भी है भारतीय जनता पार्टी का जो आगे का जो जो ढांट का राजनीतिक छल कपट का राजनीति उसको जवाब दिया है जनता ने, और पार्टी तो आज होगा कल नहीं होगा, कल होगा परसों नहीं होगा, ये तो पहाड़ का राजनीति ऐसे होते रहेगा, जिसका आदमी ने काम करेगा उसका अच्छा ही होगा, लेकिन हमारा पार्टी जो जो अभी नया पार्टी है हमारा पार्टी उसका भी कर्म देखेगा आदमी, गाँव घर में वार्ड में देखेगा, जब नहीं होगा तब तो फिर आदमी फिर उनके फिर दूसरा जगह में जाएगा।